नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल हेल्पर क्लब में। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में, और सुना होगा कि इवेंट ब्लॉगिंग से बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, और आप कैसे कमा सकते हैं उस सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो पूरी देख लीजिए, अदरवाइज इस वीडियो को अभी स्किप करके आप जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इवेंट ब्लॉगिंग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्लॉगिंग नॉर्मल आप जानते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बनाई हुई है ब्लॉगिंग के ऊपर, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो इवेंट ब्लॉगिंग की आज मेनली यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इवेंट ब्लॉगिंग होती क्या है? किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के लिए ब्लॉगिंग करना, समझ रहे हो? जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है, 26 तारीख का रक्षाबंधन है, तो हम रक्षाबंधन को टारगेट करके वीडियो बनाएं, मतलब रक्षाबंधन की शायरियों का, या रक्षाबंधन की कहानियों का, या रक्षाबंधन की जो बेसिंग स्क्रिप्ट होती है उनका। तो एक स्पेसिफिक इवेंट को टारगेट करें, किसी फेस्टिवल को टारगेट करें, जैसे 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, दीपावली आती है, और भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं, उनको टारगेट करके हम उनके टॉपिक्स पर काम करें, उन पर ब्लॉगिंग करें, तो वो होती है इवेंट ब्लॉगिंग। ये शॉर्ट टर्म ब्लॉगिंग होती है, और शॉर्ट टर्म में इससे कम कमाई जा सकती है, और बहुत सारे लोग इससे कमाते भी हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब इवेंट ब्लॉगिंग में किस किस टाइप की ब्लॉगिंग आती है? एक ब्लॉगिंग आती है कि केवल आप स्क्रिप्ट बना दीजिए, उसके बाद आप अर्निंग उससे लगातार कर सकते हैं जब तक इवेंट पास में नहीं आ जाता। वो क्या होती है? वायरल स्क्रिप्ट। आपने देखा होगा बहुत बार आपको एक लिंक आता है व्हाट्सएप पर, और आप उस पर ओके करते हैं, तो वेबसाइट पे वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो लिखा आता है कि हैप्पी रक्षाबंधन, या आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसे आप आगे शेयर कर सकते हो, वहाँ पे आपका नाम लिखा आ जाता है, तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो। तो ऐसी बहुत चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको क्या होता है, PHP स्क्रिप्ट होती है। आप ब्लॉगिंग करना जानते हो और आपका ब्लॉग है, तो एक PHP थीम होती है, वो तैयार की जाती है, उस थीम में अपने एडवर्टाइजमेंट लगाए जाते हैं गूगल एडसेंस के। बहुत सिंपल होता है, थीम ले लो, फिर उसमें एडवर्टाइजमेंट लगा दो अपने गूगल एडसेंस के, उसके बाद अपने ब्लॉगर अकाउंट में जाके उसे अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद उस थीम को बस आपको वायरल कराना है, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और भी सोशल मीडिया हैं उनके थ्रू। अगर आपकी ये थीम वायरल हो जाती है, ये वेबसाइट आपकी वायरल हो जाती है, तो आप अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे? उसमें क्या होता है कि जैसे आपने थीम बनाई, मतलब एक वेबसाइट बनाई, उसमें बेसिंग वेबसाइट है, विज करती है, तो आपने क्या किया, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट लगा दिया गूगल एडसेंस का। अब क्या होगा, जब आप उस स्क्रिप्ट को किसी को शेयर करेंगे, तो वहाँ पर जैसे रक्षाबंधन आया, तो हमने बनाई रक्षाबंधन की एक स्क्रिप्ट बना दी, और उससे ब्लॉग से अटैच करके अपने एड कोड लगा के हम उसने व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। जब लोग उससे आपके लिंक पे जा रहे हैं, लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं, वहाँ पे आपकी वेबसाइट उन लोगों को विश कर रही है कि हैप्पी रक्षाबंधन, तो वहाँ पे जब उनको विश किया, नीचे ही छोटा सा एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ठीक है, और उनको ऑफ़र दे रही है वेबसाइट कि आप भी अपने रिलेटिव को, अपनी सिस्टर को, या अपने घर वालों को ये विशेज शेयर कर सकती हो, तो वो लोग दूसरों को करेंगे, फिर वो आगे वाले लोग आगे वालों को करेंगे, फिर वो आगे वाले और आगे वालों को करेंगे, मतलब ये एक चैन बन जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं इसे। तो ये होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग, आपने एक को शेयर किया, दूसरे ने अगले को किया, तीसरे ने अगले को किया, ऐसे करके ये चैन अपने आप एक जे कर्व ले लेती है, यूँ नीचे से लेके ऊपर की साइड। तो जब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब कोई भी बिजनेस जे कर्व लेता है तो उसकी ग्रोथ बहुत आगे तक जाती है। तो जब जे कर्व होता है, आपकी स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक वायरल होने लगती है, आपके एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक आते हैं, और आपकी वहाँ से अर्निंग होती है। तो एक इजी सा प्रोसेस है। अब आपको ये वेबसाइट बनानी कैसी है? आप इसे ब्लॉग पर बना सकते हो, वर्डप्रेस पर भी बना सकते हो। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ब्लॉग पर बनाइए, क्योंकि वर्डप्रेस पर बनाएंगे तो आपको एक तो डोमेन लेना पड़ेगा, उसका खर्चा, दूसरी होस्टिंग लेनी पड़ेगी। और इवेंट ब्लॉगिंग होती है, वो होती है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। अगर आप 1 साल का होस्टिंग लोगे, 1 साल का डोमेन लोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, 1 महीने बाद वो ख़राब हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं रहता। 1 महीने तक आप अर्निंग मैक्सिमम कर सकते हो, 2 महीने कर लोगे, चलो मानते कोई बड़ा इवेंट है,
तो 2 महीने कर लोगे, इससे ज़्यादा उससे इनकम नहीं होती। तो इसलिए आप ब्लॉगर पर जाइए और जो फ्री डोमेन होते हैं उनको यूज करिए, जो 1 साल के लिए फ्री मिलते हैं उनको यूज करिए और उनसे अर्निंग कर लीजिए। और आपको जो PHP फाइल होते हैं, बिसिंग स्क्रिप्ट होते हैं, वो आपको मिल जाएंगी। YouTube पे सर्च कर लोगे तो YouTube पर भी मिल जाएंगी, और आप Google पर सर्च करोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएंगी। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, और अच्छी इनकम आपकी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट टर्म इनकम प्लान। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूंगा आपके। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक किए बगैर और शेयर किए बगैर ना जाएं। ऐसी वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।